ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं। जब आपने तैयारी चालू की थी, काफ़ी सारे बच्चों ने हमारा कोर्स मई जून जुलाई वगैरह में भी ज्वाइन किया था 2021 के लिए। मैंने एक चीज़ कही थी कि मैथ्स एज अ फिफ्थ सब्जेक्ट मत लेना, आपको चार सब्जेक्ट तो कंपलसरी है नीट के हिसाब से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, और उसके अलावा पाँचवा सब्जेक्ट कोई हल्का सब्जेक्ट ले लेना, फिजिकल एजुकेशन ले लेना, कुछ साइकोलॉजी वगैरह हुआ, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट वगैरह के भी कोर्सेज होते हैं, पर हैवी सब्जेक्ट मत लेना क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अच्छा खासा आपका टाइम खाएगी। अब जब मैं आजकल जब बच्चों से बात कर रहा हूँ, हमारा जो कैलेंडर पे लोग अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर रहे हैं, तो मुझे बच्चे मिल रहे हैं जिन्होंने अभी भी मैथ्स लिया हुआ है और रियली स्ट्रगल कर रहे हैं। आप एक चीज़ समझ लीजिए, मैंने पूछा कि क्यों मैथ्स लिया, मना किया था, कहते सर पहले तो वीडियो देखा नहीं, अब जाके समझ में आ रहा है। मैथ्स इस वजह से लिया था कि भाई फिजिक्स अच्छी हो जाएगी यदि मैथ्स लेंगे तो फिफ्थ सब्जेक्ट। आप ये समझ लीजिए कि फिजिक्स के लिए आपको मोटा मोटा जो चाहिए वेक्टर्स चाहिए, है ना, ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, ज्योमेट्री चाहिए और कैलकुलस चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर आपको यूनिटरी मेथड, जो मेरा बच्चा अभी क्लास 5 में पढ़ रहा है, वो चाहिए। दो चॉकलेट 5 रुपए की तो 10 चॉकलेट कितने की होगी, वो वाली मैथ्स, है ना। और आपको थोड़ा लॉग कैलकुलेशन चाहिए जो आप 30 मिनट में सीख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर है ये बहुत बेसिक लेवल का है, जो मैथ्स का चैप्टर है वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। जो इस वाली मैथ्स में जो आपको मिलता है, जो फिफ्थ सब्जेक्ट लेते हैं, ये 10th की ट्रिग्नोमेट्री है, 10th की ज्योमेट्री है, और कैलकुलस बहुत बेसिक लेवल का चाहिए, बहुत बेसिक लेवल का। थोड़े बहुत आपके चेन रूल्स वगैरह लगाने की ज़रूरत होती है, आपको विद इन लिमिट्स इंटीग्रल वगैरह निकालना है, और कुछ खास डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। ये ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये जैसा मैंने आपको कहा आधा घंटे का वीडियो है विपिन सर का, आप देखेंगे इस वीडियो के एंड पे तो आपको लॉग्स आ जाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक गलत सोच है कि आप नीट क्रैक कर सकते हैं क्या बिना मैथ्स के, क्या आप फिजिक्स क्रैक कर सकते हैं बिना मैथ्स के, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। टाइम है क्या मैथ्स स्टडी करने के लिए, सवाल यह है। आप ये देखिए कि अभी हमारा कैलकुलेशन ये है कि इस समय से लेके यदि आप नीट की तैयारी करते हैं 18 महीने के लिए, तो आपको दिन के 5 घंटे के आसपास पढ़ना पड़ेगा, टोटल 2500 घंटे के आसपास की तैयारी है, 16 महीने के 70 हफ्ते, 30-35 घंटे निकल के आते हैं, दिन के 5 घंटे निकल के आ गए, कहाँ पढ़ेंगे इसके ऊपर मैथ्स, बताइए। सपना है डॉक्टर बनने का, मैंने बच्चों से ये भी पूछा जिनसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कैलिनी के अपॉइंटमेंट के थ्रू, कि ये बताओ के साथ में IIT का एग्जाम भी लिखना है क्या, नहीं सर IIT नहीं लिखना, सिर्फ नीट ही लिखना है, तो क्या करेंगे मैथ्स पढ़ के, ठीक है। तो मैथ्स पढ़ने का टाइम है नहीं, अब सवाल ये आता है करें क्या। मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि हम सक्सीड नहीं कर सकते जब तक हम सही डिसीजन ना लें, और सही डिसीजन ये है कि आपके पास मैथ्स नहीं होनी चाहिए, अनलेस कंस्ट्रेंट ये है कि आप जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऑप्शन ही नहीं है, आपको मैथ्स कंपलसरीली लेनी पड़ती है। पेरेंट्स के साथ स्कूल जाइए, कन्विंस करने की कोशिश करें कि मैथ्स की जगह कोई और क्लास दे दे, कोई हल्का सब्जेक्ट दे दे। कंप्यूटर साइंस भी मत लीजिएगा, कंप्यूटर साइंस भी जनरली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अनलेस आपको जेन्युइनली कंप्यूटर साइंस में मज़ा आता है। ईजी कुछ फिजिकल एजुकेशन काफ़ी ईजी होता है, मीडिया एंटरटेनमेंट वगैरह का कोई कोर्स है, साइकोलॉजी है ना, इकोनॉमिक्स, कंपेरेटिवली होम साइंस ले लीजिए, ठीक है। कुछ जगहों पर क्रॉप साइंस भी है, वो ले लीजिए, ठीक है। पर मैं आपको ये कहूँगा कि पेरेंट्स के साथ जाइए और ड्रॉप करने की कोशिश करिए मैथ्स को। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, जो दुनिया भर की तामझाम की 35-36 आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं, ठीक है। इन सब की आपको ज़रूरत नहीं है, सेट्स हैं, इन सब की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है, आपका सपना है डॉक्टर बनने का, आपको ज़रूरत है अच्छी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुआलॉजी, बॉटनी पढ़े, उसको पढ़ने में भी खूब मेहनत चाहिए। 97 चैप्टर है, आप एडिशनली 28 से 30 चैप्टर अपनी ज़िंदगी में मैथ्स के ऐड नहीं करना चाहते, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि यदि आपको फर्स्ट टाइम में नीट निकालना है तो सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम, या तो आज डिसाइड कर लीजिए कि 2021 में एग्ज़ाम नहीं लिखना, पर यदि आपको एग्ज़ाम लिखना है 2021 में तो टाइम सबसे बड़ा कंस्ट्रेनिंग फैक्टर है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुआलॉजी, बॉटनी के लिए भी 5 आवर्स पर डे की स्टडीज़ की ज़रूरत है।
मैथ्स के लिए टाइम निकाल नहीं पाएंगे, प्रेशर में आएंगे और फिर शॉर्टकट मारना चालू करेंगे और उससे आपकी तैयारी खराब हो जाएगी। तो ये मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता था। इस वीडियो के कमेंट में बताइए कितने लोग इस वाली प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं और बताइए मुझे कि आप इस प्रॉब्लम के बारे में क्या करने वाले हैं। मैंने आपको ये रेकमेंड किया है, स्कूल में जाके पेरेंट्स के साथ जाइए, अभी भी कोशिश करिए ड्रॉप करने की, बहुत देर नहीं हुई, पर यह चीज़ आपके साथ अटक जाएगी। बोर्ड एग्जाम भी लिखना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम खाएगा और 2021 की तैयारी का एकदम गेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों।